हेडिंग डाल लीजिए आरएच फैक्टर या आरएच कर ठीक अब थोड़ा सा लेखनी को फिर आराम दीजिए समझते हैं क्या है कैसे है फिर लिखेगा देखिए आर एच का फुल फॉर्म होता है रेसस ये क्या है रिसस क्या है ये भी क्या है स्पेसिफिक टाइप की विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो आरबीसी की पे पाई जाती है हमने देखा कि आरबीसी की झिल्ली पे पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम तो हम एबीसीडी में कर रहे थे एबीसीडी में कर रहे थे ना तो फिर यहां रिसर्च क्यों कर दिए क्योंकि इंसानों में जो खोजा जाता था इंसानों में जो खोजा गया उसको एबीसीडी शुरू किए अब इंसानों ने अपना खून देना बंद कर दिया कि रिसर्च के लिए खून नहीं देंगे बड़ी मेहनत से बनाते हैं नहीं ऐसा हुआ नहीं बस समझने के लिए आपको बता रहे हैं तो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक होते हैं उनका और खुरापाती दिमाग होता है अब मान लीजिए सपोज उनको ब्लड नहीं मिला रिसर्च करने के लिए तो खिड़की के पास बैठ के सोच रहे हैं सोचते सोचते खिड़की के बाहर दिख गया बंदर उनके दिमाग में आप बंदरों से ही तो हम लोग भी डेवलप किए हैं चलो बंदर पकड़ कर रिसर्च करते हैं तो उन्होंने अपने आसपास घरों के आसपास जो बंदर मिलता है उसका ब्लड निकाला और उसमें खोज किया तो अगर एबीसीडी से अगर नामकरण करते तो मानव का हो जाता तो चूंकि जिस बंदर में खोजा गया था उस बंदर जो है रिसर्स फैमिली का बंदर था जो हमारे घरों के आसपास पाया जाता है जो जाते हो हनुमान जी के मंदिर के आसपास खूब मिलता है, है ना तो वो जो बंदर होता है वो रिसस फैमिली का बंदर होता है रिसस प्रजाति का बंदर होता है और रिसस प्रजाति के बंदर में ये प्रोटीन खोजी गई थी तो इसका नामकरण भी उसी बंदर के नाम पे कर दिया गया बंदर की प्रजाति के नाम पे कर दिया गया किसके रिसस तो खोजा किस में गया था बंदर में बानर में अब किसने खोजा था यह और आसान है उसी बंदर को टोपी पहना दो देखो बोर्ड मैं टोपी पहना रहा हूं हो गया ना विनर ने बानर में खोजा था वैसे याद करते तो करते रह जाते भूल जाता तो उस बंदर को आपने टोपी पहना दिया आपका क्या हो गया याद हो गया तो विनर ने बानर में सबसे पहले जो प्रोटीन खोजी थी स्पेसिफिक प्रोटीन उसका नाम था अब ये देखा जाता है कि आपके शरीर में बंदरों वाला लक्षण अभी बचा है कि खत्म हो गया है तो जिसके ब्लड में ये लक्षण पाया जाता है उसको कहते हैं पॉजिटिव और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो क्या हो गया नेगेटिव ठीक यानी कहने का मतलब है कि ये अब आप जितना जानते थे वो तो टेस्ट किया ही जाता है अब उसके साथ एक प्रोटीन और चेक की जाती है आर एस प्रोटीन अगर ये आर एस प्रोटीन यानी बंदरों वाली प्रोटीन आपके बॉडी में अभी है तो वो क्या है आप पॉजिटिव हैं नहीं है तो निगेटिव है रुक जाओ यार पेन क्यों चलाते हो भाई यार तुम क्यों क्लास के टाइम में लेके चले आए जो कितने लोगों बच्चा फटाफट फटाफट पड़ लिखो पड़ लिखो सभी लोग लिख रहे हो क्या उसमें तो उनके लिए था तो जिसका ज्योग्राफी छूटा हुआ है जो साइंस से जुड़े हुए उनको लिख रहे क्या जरूरत है उनकी ज्योग्राफी तो फिर से पूरा होगी हाँ वो उन्हीं के लिए है तो एक दरस में सब दरअसल लिखित पड़े सारी क्लास का छूटा है मतलब साइंस में कोई आया ही नहीं नया कितने लोग साइंस में है नए इतने लोगों का नहीं छूटा है चलिए <laughs> जो साहिन से, कोचिंग से जुड़ा है उसका नहीं छूटा है ना भाई उसका तो पूरा फिर से होगा चलो अच्छा देखते हैं अब चार तरह का ब्लड होता है बाकी लिखिए नहीं देखिए मैं नहीं लिखवा रहा हूं तो आपके भले के लिए ऐसा थोड़ी कि आप लिख लोगे मैं भूल जाऊंगा ऐसा तो नहीं है ना मैं नहीं लिखवा रहा इससे आपका तुरंत तुरंत रिविजन हो जा रहा है पढ़े तुरंत लिख लिए तुरंत क्या हो गया रिविजन हो गया चलिए आप देखते हैं फिर वही देखते हैं वही चार टाइप का ब्लड होता है ए बी ए बी और अब वाले टाइप पे अगर आरएच पाया जा रहा है तो उसे कहते हैं ए पॉजिटिव तो पॉजिटिव का मतलब अलग से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका नहीं है ये हमेशा किस पे होगा वही ए बी ए बी और होगा तो ए पॉजिटिव का मतलब हुआ कि A वाले blood type में सारे blood के कंपोनेंट हैं उसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटीन भी है और वो प्रोटीन कौन सी है protein. तो RH positive, A positive का मतलब हुआ कि ए टाइप के ब्लड में सारे कुछ होते हुए एक अतिरिक्त चीज है और वो क्या है आरएच प्रोटीन रिसस प्रोटीन अधिक अलग है तो अगर वो पाया जा रहा है तो उसे कहते हो ए पॉजिटिव अगर ये बंदरों वाला लक्षण नहीं है आप में, तो ए निगेटिव यानी वो स्पेस यानी पॉजिटिव निगेटिव का मतलब कुछ अलग से मत समझिएगा उसी ए पे अगर एक एक्स्ट्रा आर एच प्रोटीन मिल गई तो पॉजिटिव कह दिए नहीं मिली तो निगेटिव कह दिए बी पे मिल गई तो पॉजिटिव कह दिए नहीं मिली तो निगेटिव कह ए बी पे मिल गई तो ए बी पॉजिटिव कह दिए नहीं मिली तो ए बी नेगेटिव। ओ पे मिल गई तो ओ पॉजिटिव कह दिए नहीं मिली तो नेगेटिव। अब हमें देखना क्या है कि अब यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता कौन सा है सार्वग्राही कौन सा पहले क्या था ओ था अब ओ नहीं रह के ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दो हो गया पहले ये ए भी था अब ए भी पॉजिटिव और ए भी नेगेटिव दो हो गया तुम्हारी अलग से फीस लगेगी ठीक है <laughs> चलो समझते हैं आप देखिए ओ सर्वदाता था तो क्यों समझिएगा ओ यूनिवर्सल डोनर था तो क्यों क्योंकि ब्लड में जितने जिस चीज के अगेंस्ट जिस चीज के अगेंस्ट किसी की बॉडी एंटीबॉडी बनाती थी या जो चीज आप चेक कर रहे थे वही उसके पास नहीं थी तो वो जा सकता है भाई अगर सड़क पे पुलिस चेकिंग कर रही है कि किसी के पास कट्टा तो नहीं है कट्टा समझते हैं ना ठीक तो डरेगा कौन किसको पकड़ेगी पुलिस कट्टा वाले की पकड़ लेगी जिसके पास नहीं वो तो जाएगा ना तो आप पहले चेक कर रहे थे क्या एंटीजन एंटीजन मैच हो रहा था तो वो जा रहा था तो जिसके पास एंटीजन नहीं है वो अभी तो चला जाएगा भाई लाइसेंस चेक कर रहे थे लाइसेंस गन का आपके पास है तो आप लेके घूमो लाइसेंस नहीं है तो पकड़ लगी पुलिस ना तो जिसके पास डरे कौन जिसके पास है या नहीं है लाइसेंस जिसके पास आर्म्स ही नहीं है हथियार ही नहीं है उसको डरने की क्या जरूरत है वो तो कहीं भी आ जाए तो हम पहले चेक कर रहे थे केवल एंटीजन तो एंटीजन के अगेंस्ट में क्या बन रही थी एंटीबॉडी तो ओ के पास एंटीजन था ही नहीं तो ओ के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन नहीं रही थी इसलिए वो हर जगह क्या है आराम से सबको दे दे रहा था अब आप क्या कर रहे हो कि दो चीज चेक कर रहे हो एक एंटीजन और दूसरा आर एच फैक्टर यानी अब हमें ऐसा ब्लड टाइप फाइंड आउट करना है कि जिसमें ना तो कोई एंटीजन हो और न ही कोई आर फैक्टर हो तो वो कौन सा होगा ओ निगेटिव यानी अब यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया ओ निगेटिव पूछा जाता है ध्यान रखिएगा तो ओ निगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर हो गया ठीक अब समझिए यूनिवर्सल रेसिपियंट कौन तो पहले एबी था ए बी क्यों था क्योंकि इसके लिए कुछ नया नहीं था जितना चीज ब्लड में खोजे थे सब इसके पास था सभी लोग आओ मठाधीश टाइप का था समझते हो ना कि सारे लोग टेकेंगे यहां पे तो जब सब कुछ इसके पास पहले से था इसीलिए इसके, इसके लिए कुछ नया नहीं था और कुछ नया नहीं था इसीलिए एंटीबॉडी नहीं बना रहा था ये तो अब जितना पहले चेक कर रहे थे वो तो नहीं था लेकिन अब एक नई चीज और चेक कर रहे हो क्या आर, तो अगर ये आर एस फैक्टर भी अपने पास रख ले तो इसके लिए अब फिर कोई चीज नहीं नहीं होगी तो कौन सा ऐसा भाई जिसके पास सारे एंटीजन भी हो और आर एस फैक्टर भी हो तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन हो गया ए बी पॉजिटिव ठीक ये बात समझ में आई बना लो फटाफट क्या तो एक को देना है एक को लेना है दूसरा समझ डोनर मतलब कौन देने वाला है। तो किसी चीज को हम आप मुझे कुछ खाने को दे रहे हो सपोज दैट तो अगर मुझे उस खाने से एलर्जी है या मुझे कोई डाउट होगा कि पता नहीं क्या मिला के दे रही हैं तो मैं खाना लूंगा नहीं लूंगा मैं कब खाना लूंगा जब आप मेरे सामने कहीं से परचेज किए हो या मेरे सामने बनाए हो यानी जिस चीज का मुझे डाउट है उस खाने में नहीं होना चाहिए यही ना तो पहले क्या है? किसी ओ सबको क्यों दे पाता था क्योंकि तो एक चीज चेक करते थे क्या एंटीजन वो नहीं था तो ओ सबको दे रहा था अब दो चीज चेक कर रहे हो एंटीजन और आर एच फैक्टर तो अगर दोनों नहीं हो तो वो सबको दे सकता है दे सकता है ना तो कौन सा ऐसा ब्लड टाइप है जिसके पास एंटीजन भी ना हो और आरएच फैक्टर भी ना हो वो है ओ निगेटिव इसीलिए ये सबको दे सकता है अब समझो ए भी क्यों ले पाता था क्योंकि सारा एंटीजन इसके पास था यानी जो चीज चेक कर रहे थे वो जितने भी प्रकार की है वो सब इसके पास था आप एंटीजन चेक कर रहे थे एंटीजन दो ही टाइप का होता है ए और बी अलग अलग हो या दोनों मिला के हो तो दोनों इसके पास है तो आप कुछ दोगे जब मुझे और वो पहले से मेरे पास है तो वो चीज मेरे लिए नया होगी नहीं होगी तो अब पहले तो आप एंटीजन चेक करते थे अब क्या है एंटीजन के साथ एक चीज और चेक कर रहे हो क्या आर यानी फैक्टर के साथ मेरे पास एक चीज और हो जाती क्या आर तो कुछ फैक्टर नहीं रह जाएगा तो कौन सा ऐसा ब्लड टाइप है जिसके पास सारे एंटीजन हो और आर फैक्टर भी हो तो ए पॉजिटिव तो एबी पॉजिटिव है तो वो उसके पास अब ब्लड में जितनी चीजें खोजी गई है सब है ए भी पॉजिटिव हो गया तो ब्लड में जितनी चीजें खोजी गई सब है तो उसको अब कुछ भी दो उसके लिए नया नहीं होगा तो इसलिए सबसे ले सकते हो गया इतना अब एक डेटा इसे लिखना है इंडिया और वर्ल्ड का डेटा एक ही है यानी जितना इंडिया का है वही डेटा अप्रोक्स तो है तो लिखिएगा इन In इंडिया एंड वर्ल्ड अप्रोक्स 85 फाइव परसेंट पॉपुलेशन इज आरएच पॉजिटिव भारत और विश्व की लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या क्या है आर एच पॉजिटिव है यानी बंदरों वाला गुड़े नहीं छोड़ पाए लोग अप्रॉक्स 85 परसेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड इज आर एस पॉजिटिव भारत एवं विश्व की लगभग 85 परसेंट जनसंख्या क्या, क्या है आर एस पॉजिटिव निगेटिव तो अपने से लिख लो आप उसमें लिखवाए कि कितना परसेंट निगेटिव है फिफ्टीन अब कुछ केस बनाता हूं समझिएगा ठीक यानी आप पहले तो ऐसे समझ लो जो पीछे देखे थे इसका मतलब यह हुआ कि निगेटिव वाला सबको दे सकता है इसी चार्ट में पॉजिटिव निगेटिव करके समझना नहीं है इस चार्ट में अब क्या करना है यह समझ लेना है कि निगेटिव वाला सबको दे सकता है इस चार्ट के अनुसार पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव को दे सकता है समझ में आई जैसे आप कहा जाए कि ए पॉजिटिव किसको किसको दे सकता है तो ए ए अब देखो किसको किसको दे सकता था ए को दे सकता था और ए बी को तो ए पॉजिटिव किसको दे सकता है ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता लेकिन अगर कहा जाए ए किस किसको दे सकता है तो वो दोनों को दे सकता है यानी ए पॉजिटिव को देगा ए निगेटिव को देगा ए बी पॉजिटिव को देगा ए बी निगेटिव ऐसे ही सारे के साथ समझ यानी चार्ट यही रहेगा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव केवल पॉजिटिव को देगा निगेटिव जो है है। है, वो दोनों को दे सकता चार्ट यही है। उसमें कुछ अलग से नहीं करना है। कॉमन सेंस की बात कि अगर पॉजिटिव वाला निगेटिव को दे देगा तो नई चीज चली जाएगी ना और नई चीज चली जाएगी तो लोचा हो जाएगा फिर गड़बड़ी हो जाएगी चलो अब आगे समझते हैं केस बना के लेखनी को आराम दीजिए और समझिए बोले केस वन उसको छोड़ दो लोग साइन करके आगे बढ़ाते रहेंगे आगे बढ़ा दीजिए उसको केस वन समझिए दो व्यक्ति हैं ये मिस्टर हैं आर एच कोई भी ब्लड है आर एच दूसरे पर्सन है ये है आर पॉजिटिव क्या हुआ इनका हो गया एक्सीडेंट ठीक और जल्दीबाजी में गलती से इनको चढ़ा दिया गया मान लीजिए ये ए है ये बी है और ये ए है तो एक को दे दिया गया बी का ब्लड यहां ए है तो इनके शरीर पे क्या असर पड़ेगा आई एस में क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो एंटीबॉडी बन जाएगी लास्टली बताओ क्या होगा डेथ हो जाएगी हो जाएगी ना जी नहीं नहीं होगी डेथ इसीलिए तो मैंने कहा केस अलग से है समझो अब क्यों नहीं होगी तो ये ए जो है पहली बात तो जानी ये आर एच निगेटिव ही रहे एंटीबॉडी बन जाएगी बनेगी बनने के बाद जहां जहां आरएस फैक्टर होगा ढूंढ के नष्ट करने लगेगी तो आर फैक्टर ही नष्ट कर पाएगी बाकी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगी प्लाज्मा तो वही है ए, जो टाइप एंटीजन तो वही है आरबीसी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट सब वही है यानी नया उसे क्या मिलेगा आर फैक्टर तो आर फैक्टर तो नष्ट कर देगी ठीक क्यों नष्ट कर दी क्यों नहीं मार पाई ब्लड क्लॉट कर पाई क्योंकि पहले से बनी हुई नहीं थी तो फर्स्ट टाइम जब बनेगी बात समझिएगा जीवन में जब पहली बार बनती है तो क्या होता है वो बनने में इट विल टेक टाइम सम कुछ समय लगता है एंटीबॉडी बनने में ऐसे नहीं है कि जाते ही तुरंत एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है इसीलिए कोरोना का आपको दो डोज लगा लगा ना को एंटीबॉडी बनने में समय लगता है तब आपने समझा होगा कि टीका लगने के बाद इम्यूनिटी कुछ दिन डाउन हो जाती है फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है यानी अब एंटीबॉडी किसी भी चीज के आगे तुरंत नहीं बन जाती है अगर तुरंत बन जाती तो हम कभी तो बीमार ही नहीं पड़ते ना सोचो तो यानी ये बनने में समय लगता है तो जब एंटीबॉडी बनी तब तक सारा ब्लड क्या हो चुका था मिक्स हो चुका था नया इसको क्या मिला एच फैक्टर मिला उसने डिस्ट्रॉय कर दिया तो फर्स्ट टाइम पहली बार में क्या होगा इसके शरीर में कोई इफेक्ट नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि उसकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडी डेवलप नहीं थी अब लेकिन डेवलप हो गई अब जब डेवलप हो गई तो जब दोबारा ऐसी गलती करोगे तो क्या होगा मोक्ष की प्राप्ति क्यों क्योंकि अब जो एंटीबॉडी बनी है वो ब्लड को मिक्स ही नहीं होने देगी वो पहले से ही सेंस कर लेगी रिकॉग्नाइज कर लेगी कि दुश्मन आ रहा है क्यों क्योंकि जब सी डी फोर हेल्पर सेल इंटर होते ही स्कैन करेगा और उधर जाके क्या है जो मेमोरी टी सेल और बी सेल है वो तुरंत उसे मैच करवाएंगी तो वहां देखेंगे इसके लिए क्या बना हुआ है एंटीबॉडी पहले से बना हुआ है तो एंटीबॉडी तुरंत क्या हो जाएगी एक्टिवेट हो जाएगी ब्लड को मिक्स होने का टाइम ही नहीं देगी जैसे पहले जब हम लोग देखते थे टीवी होगी तो जब कोई मैच आता था तो क्लोरमिंट का एक एड आता था दोबारा मत पूछना किसी ने देखा है वो एड दोबारा मत पूछना वाला तो वैसे ही अपनी बॉडी भी कहती है कि एक बार तो गलती कर दी लेकिन दोबारा नहीं कर सकती लेकिन ये थियोरेटिकल है भी प्रैक्टिकली जो है एम्स का नाम सुना है क्या है भाई फुल फॉर्म बताओ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस तो मेडिकोस की ये गवर्निंग बॉडी है मंत्रालय तो अलग होता है लेकिन ये सब जो डिसीजन मेकिंग है ये बिना एम्स के परमिशन के कोई नहीं लेता है। तो एम्स जो है गाइडलाइन क्या करता है जारी करता है पूरे इंडिया के मेडिकोर्स के लिए जैसे अगर आप इंडिया के बाहर से पढ़ के आए हैं एमडी डीएम कुछ होके आए हैं तो इंडिया में आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो इसके लिए भी एम्स टेस्ट लेता है अगर एम्स के टेस्ट में पास आउट हुए तभी इंडिया में आप प्रैक्टिस कर सकते हो नहीं तो नहीं कर सकते तो एम्स का क्लियर गाइडलाइन है क्या गाइडलाइन है कि कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल इसको नहीं करेगा जान बचाने के लिए भी नहीं करेगा अगर कोई करता हुआ पकड़ लिया गया प्रूफ सिद्ध हो गया तो उसका लाइसेंस जब 302 का मुकदमा एंड मोर जो प्रोसीजर होती है एक हत्या के मुकदमे की सब जरूर हो जाएगी आपको लगता होगा इससे तो जान बच सकती है सर बच सकती है ना एक बार तो पहली बार तो बच सकती है ना भाई तो क्यों एम्स ने इसको किया गाइडलाइन जारी किया कोई भी डॉक्टर और हॉस्पिटल ऐसा नहीं करेगा क्योंकि है। है? उदाहरण समझो अभी देखो हेलमेट जब से इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट बना है तब से था ना कि टू व्हीलर चला रहे हो तो उसमें हेलमेट लगाओ फोर व्हीलर चला रहे हो तो सीट बेल्ट लगाओ उससे ट्रैफिक पुलिस वाले को कुछ फायदा हो जाएगा का फायदा तब होगा जब नहीं लगाओगे समझ रहे बात ना तो भी हम क्या क्या है है गवर्नमेंट को फिर समझाते समझाते देर होगी तो दो हजार रुपए का चलान रखी यानी जब कड़ी सजा का प्रावधान हुआ तब मजबूरी में लगाना शुरू किए लॉकडाउन में देखे थे ना फिर फिर उसके बाद ढीला पड़ गया फिर आप नहीं लगाते हो तो उससे अगर एक्सीडेंट होगा तो नुकसान सरकार को होगा ट्रैफिक पुलिस वाले को होगा कि हम मुझे आपको होगा होगा ना लेकिन हम क्या अनअवेयर पर्सन है तो अन अवेयरनेस के कारण हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता या आपको पता भी नहीं चलता सबके में बन गई होगी और हमें पता भी नहीं होगा पहला वाला केस लगभग लगभग सबके में हो गया होगा चलो मैं एग्जाम्पल समझाता हूं कैसे हो गया होगा चलो पहले समझिए जैसे सैलून तो समझते ना मेल पर्सन तो चलिए उदाहरण से समझाते हैं जब आप नॉर्मली सैलून में सेविंग करवाने जाते हो तो देखते हो मान लीजिए दो हॉट सीट है यानी दो नाई है उसमें ठीक है आपका नंबर आपका एक फेवरेट नाई होता है उसी के पास सब लोग जाते हैं एक दो वेटिंग होता है तो भी आप वेट कर लेते हो कि इसी से बनवाएंगे या आप सैलून में या पार्लर में जाती होंगी तो आपका कोई ना कोई एक सेट होगा कि इसी के हाथ से करवाना है अपना जो भी आप करवाने गए हो आप वेट कर ले तो चलो दो कस्टमर के बाद भी नंबर है तो हम इसी से करवाएंगे इनका हाथ क्या है अच्छा यही समझते है ना तो मान लीजिए आप या मैं गया सेविंग करवाने एक लोग बनवा रहे हैं सीट पे बैठ गए हैं एक और है उसके बाद तीसरा नंबर मेरा जो मेल है वो अच्छे समझेंगे क्योंकि क्यों वो देखते हैं उनके साथ यही होता है अब देख तो दो तौलिया तो गर्दन पे होगी लगाते हैं ना दो टॉवल और एक दो यहां टंगी रहती है पीछे जहां भी टांगने का उनका हैंगर होगा एक तौलिए से वो करते हैं साफ करते हैं उसको टांग देते हैं और दूसरे पर्सन के लिए दूसरा टॉवल फिर तीसरे के लिए वही पहले वाली आ जाती है यही होता है देख लीजिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आप प्रैक्टिकली फील करिए अब हुआ क्या फेवरेबल कंडीशन में फेवरेबल कंडीशन में ये आर एच प्रोटीन जो है वो काफी देर तक एक्टिव रहती है पांच छह घंटा ये सक्रिय रह सकती है फेवरेबल और क्या गर्मी सर्दियां तो फेवरेबल कंडीशन है टेम्परेचर नहीं है तो डिस्ट्रॉय नहीं होगी गर्मियों में भी देखते हो सैलून वाले एकदम शिमला बना के रखते हैं ठीक है पसीने होकर जाओ थोड़ी देर में वो ठंडी लगने लगती है कि भैया थोड़ा सा कम कर लो तो ऐसे देखते जैसे आपने क्या गुनाह कर दिया ए कम करने को बोल दिया तो अब समझिए मान लीजिए व्यक्ति जो बैठा है, ये है पॉजिटिव मेरा नंबर तीसरा है मैं हूं सेविंग करते करते कट लग गया तो जैसे ही कट लगता है वो पोच देता है तुरंत तौलिया उठाता है यहां पोच दिया फिर तौलिया नीचे चला गया और आपसे बात करने लगेगा आपका माइंड डाइवर्ट कर देगा वो कि आप कंप्लेन न कर पाओ कि कट गया कि नहीं कट गया फिर उसने सेविंग कर दी ठीक ये टॉवल चली गई उसके पास रख दिया फिर तीसरा नंबर आया, फिर वही मेरे पास आ गया। Coincidentally, मेरा भी कटा उसका हाथ चलाने का पैटर्न सेम होता है तुरंत उसने उसी पैटर्न में चलाया, वो प्रोटीन जो है टच कर गई मेरे यहां ब्लड जहां से निकल रहा था वो प्रोटीन मेरे अंदर तो गई नहीं बट बॉडी होती है केस सेंसिटिव उसने हमारी बॉडी ने मेरी बॉडी ने एक केस सेंस किया क्या सेंस किया? फैक्टर अब हमारी बॉडी में क्या होने लगी एंटीबॉडी डेवलप होने लगी मैं वहां से फिर दिया डॉक्टर से लगा चला गया मुझे पता चला कि मेरी बॉडी में आर एच के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप हुई नहीं हुई ना नहीं पता चला अब कभी एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर ये केस कर दे इसीलिए ध्यान रखिएगा फेस पे कभी भी सैलून वाले का टॉवेल छूने नहीं देना टिश्यू पेपर भी रखते हैं आप बोलेंगे तो वो दो ले लो भाई, दस ले लो। लेकिन अब करने से कोई फायदा नहीं है ठीक यानी जो होना होगा वो हो चुका कोई उसका दिक्कत भी नहीं है दिक्कत तब होगा जब ये केस होगी चलो दूसरे केस समझाते हैं ऐसे नहीं समझ में ये मेरे दोस्त हैं ठीक इसमें हंसने की क्या बात है कोई किसी का दोस्त हो सकता है, है। ठीक तो इसमें हंसने वाली तो बात ही नहीं कोई तो अब मैं यहां आया तो मैंने कहा कि संडे को मेरी छुट्टी है यार लखनऊ में कुछ घूमने लायक हो तो बताओ चलो मुझे घुमाओ मैं रोज दिन भर यही लकीर का फकीर रहता हूं दिन भर पढ़ाओ खाओ सो जाओ तो इसने कहा अरे बहुत घूमने वाली चीज है चलो तो इन्होंने क्या किया एक बुलेट खरीदा था नया नया ये लेके आ गए नाश्ता पानी करके ब्रेकफास्ट करके ठंडी का समय हम लोग निकले तो ये बैठ ये बुलेट चलाने लगे मैं बैठ गया इस पर थोड़ी दूर यहां आए थे एक आध किलोमीटर तब तक इनको याद आ रहा हेलमेट छूट गया तो मैंने कहा इनसे बड़ा मूर्ख मैं मैंने कहा हेलमेट की क्या जरूरत है जो पुलिस वाला चालान काटेगा वही जाके भरेगा इतने दिन से मैं क्या कर रहा हूं अधिकारी ही तो बना रहा हूं मेरे पढ़े पढ़ाए हुए बहुत स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ के मेरे बहुत दोस्त हैं मेरे बहुत सीनियर भी बने हुए हैं मेरे बहुत जूनियर भी बने हुए हैं तो परिचय की कमी नहीं यूपी में किसी डिस्ट्रिक्ट में रहोगे छह अधिकारी तो निकल ही जाएंगे जब खोजने लगेगा तो लखनऊ में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बहुत सारे हैं और चाचा जी तो विधायक है।, <laughs> है ठीक देखिये और ना चाचा जी विधायक है ठीक कौन पकड़ सकता है चलो यानी ये मूर्ख इनको तो थोड़ी बहुत अकल आ गई कि अरे यार, यार हेलमेट ले लें अब मैं इनसे बड़ा मूर्ख कि चलो कौन पकड़ेगा देख लेते हैं जो अगर गलती से फोटो खींच तो तो यही कर रहे कर लेंगे मैनेज कर लेंगे चल दिए अब इन्होंने कहा कि चलो सबसे पहले शहीद पथ घुमाते शहीद करने के मूड में नहीं है ये थोड़ा नई बाइक है तो लॉन्ग ड्राइव जिसको कहते हो वो मूड में है कि चलो पे जाए मैं इनको जानता हूं कि ये से गाड़ी चलाते हैं बाइक चलाने में एकदम एक्सपर्ट है इनसे बढ़िया कोई हिंदुस्तान में बाइक नहीं चला सकता ठीक लेकिन जानते हो इंडिया में जो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं वो अपनी गलती से नहीं होते वो दूसरे की गलती से होते हैं तो आप मान लीजिए क्यों ना ऑडी क्यू सेवन क्यों नाइन क्यू टेन लेकर चल रहे हूं उसमें क्या ABS होता है आप सौ की स्पीड पे भी ब्रेक मारोगे तो ज्यादा झटका नहीं लगेगा होता है ना गाड़ी में सौ की स्पीड ब्रेक लगता फेंक देगा आगे तो गाड़ी जितनी बढ़िया जितनी महंगी उसका सिस्टम उतना ही बढ़िया होता है तो आपकी गाड़ी में वो सिस्टम है ना कि मारने पर झटका भी नहीं लगेगा पीछे से मान लीजिए ट्रैक्टर आ रहा हो भी आइसर वाला देखते हो ना कभी कभी कि मैंने तो देखा है कि ब्रेक लगा अगर ड्राइवर दुबला पतला है तो कभी कभी वो उसके ब्रेक पे खड़ा होकर कूदता है देखा आपने कभी अपने जीवन में देखा है तो होता क्या है आपकी ऑडी है पीछे वो ट्रैक्टर ही एक ऐसा क्या है व्हीकल है कि चाहे उसमें हल लगा हो चाहे ट्रॉली लगती हो वो कहता है आओ लड़ लो किधर से लड़ोगे देख लो किधर से भी लड़ोगे आप ही का नुकसान होगा अब जब तक वो ट्रैक्टर वाला ब्रेक पे खड़ा होकर ब्रेक लगाए तब तक तो ऑडी की आधी बॉडी गायब हो जाएगी ठीक तो यही हम लोग बहुत आराम से बात करते हुए जा रहे थे अब समझिए काम की बात हम लोग बहुत आराम से बात करते हुए जा रहे थे एक एकाएक कोई आया इन्होंने ब्रेक लगाई गाड़ी स्किट कर गई दी। बहुत धीरे जा रहे थे दोनों लोग गिर गए सड़क पे भाई सपोज दैट इनके हाथ पे यहां थोड़ा सा स्क्रैच आया दो चार बूथ ब्लड की निकलने लगी मेरे माथे पे यहां स्क्रैच आया दो चार बूथ यहां ब्लड निकलने लगी गिरते समय तो अपना कंट्रोल नहीं था ना इनका हाथ मेरे माथे पे टच हुआ ऐसे आके, दोनों लोग ऐसे कि रुके कि इनका हाथ मेरे माथे पे है तो अब मेरी बॉडी ने केस सेंस कर लिया ये है आर पॉजिटिव और ये मैं हूं आर नेगेटिव। अब हम लोग उठे फिर कहीं से मेडिकल स्टोर खोज के हैंडी प्लास्ट वगैरह लगाए और फिर खाए पिए मस्त चले गए अब बाद में फिर मुझे ब्लड की जरूरत पड़े तो डॉक्टर अगर पूछे कभी कि आपने किसी का ब्लड लिया है तो मैं कह, कि मैं क्या कहूंगा नहीं कभी नहीं लिया है। अगर ये केस कर दे वो तो क्या होगा जान बचेगी कि मोक्ष मिल जाएगा मोक्ष मिल जाएगा ना इसीलिए ऐसे बहुत सारे केस हैं मैंने एक दो केस बताया कि ऐसे बहुत सारे केस अनजाने में इंडिया में बनते हैं इसलिए पहले केस को रोक दिया गया ये थियेटिकली ऐसा ही होता है बट हमारी बॉडी में अनजाने में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता तो ये पहला केस है ये बात समझ में आई लिखो इसको दो पूछो हाँ 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 कुछ नहीं होगा क्योंकि ब्लड शरीर के अंदर नहीं जा रहा शरीर के अंदर जाएगा तो क्लॉट करवाएगा वो तो ऐसे टच हुआ जहां क्लॉट किया ये तो पोछ के हटा दोगे तो खत्म अंदर जाएगा तब तो क्लॉट करवाएगा तो ना यहां टच हुआ यहां क्लॉट हो गया तो यहां तो आप पोछ के हटा के हंडी ब्रश लगा दोगे तो जितनी बार टच होगा अब उतनी बार वो क्लॉट करवाएगा लेकिन वो क्या है कि शरीर के बाहर ही रहेगा ना अंदर जाएगा तो नुकसान कर देगा फिर वही तो लिखने जा रहे हैं कि अगर दोबारा ऐसा किए तो गड़बड़ हो जाएगा चलिए इसको लिखते हैं लिखिएगा इफ वी डोनेट किसने बनाया चीनी में चाय पत्ती डाल दिया था पानी नहीं डाला था लिखिए इफ अ पर्सन हु इज आरएस पॉजिटिव अब लंबा नहीं लिखा रहे हैं कि उसका ब्लड आर एस पॉजिटिव हु इज आरएस पॉजिटिव का मतलब समझ रहे ना सेंस हु इज आरएस पॉजिटिव डोनेट्स हिज ब्लड टू पर्सन हु इज आरएच निगेटिव हिंदी लिखेगा यदि किसी आर एच पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त आर एच निगेटिव वाले व्यक्ति को दिया जाता है यदि किसी आर एच पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त आर एच निगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को दिया जाता है if we donate the blood of Rh positive person to a person who is Rh negative, then first time there will be no effect on the recipient body. तो पहली बार में ग्राही के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो पहली बार में ग्राही के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बट किंतु आर एच एंटीबॉडी फॉर्म देखिए हर चीज के लिए अलग अलग एंटीबॉडी बनती है ध्यान रखिएगा बट आरएच एंटीबॉडी फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ रेसिपियंट या रेसिपियंट ब्लड प्लाज्मा यानी बन के कहा रखा जाएगा उसका ब्लड के प्लाज्मा में किंतु ग्राही के रक्त में या ग्राही के रक्त के प्लाज्मा में एच एंटीबॉडी बन जाती है कौन बनाएगा एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बीटा लिंबोसाइड ठीक दैट्स वाई दैट्स वाई इफ वी डू इट सेकेंड टाइम पर्सन बिकेम डाई यदि ऐसा दोबारा किया जाता है जिससे यदि ऐसा दोबारा किया जाता है उसे हम लिखते रहिए जिससे यदि ऐसा दोबारा किया जाता है तो व्यक्ति परम पिता परमेश्वर को प्यारा हो जाता है हो गया है? ये केस पहला था कभी यूपीएससी आई में पूछा हुआ है पीसीएस में कभी भी पूछ सकता है तो ध्यान रखिएगा कि एक बार तो बॉडी माफ कर देती है दोबारा नहीं करती है लेकिन ये थियोरेटिकल है प्रैक्टिकली जो है नहीं किया जाता है क्यों नहीं किया जाता मैंने आपको समझाने की कोशिश की केस टू फोटेलिस ये क्या होता है समझिएगा अच्छा कितने लोग यहां आरएच निगेटिव वाले हैं कोई है आर एच निगेटिव ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव खतरनाक ब्लड ग्रुप है ठीक समझिएगा क्या होता है कि मान लीजिए दो लोगों की शादी होती है गलत बोलते मान लीजिए एक लड़की की शादी एक लड़के से होती है आप समझ रोज नियम कानून बदल रहा है तो क्लियर कट क्या है <laughs> बोलना है मुझे तो सपोज दैट एक मेल है इसकी शादी क्या है फीमेल से हो रही है तो देखिए शादी जब होती है तो नॉर्मली कुंडली मिलाया जाता मिलाते है मिलाते हैं ना देखा होगा आपकी नहीं हुई होगी तो आपके घर में किसी की होगी बहुत तो बहुतों की हुई भी है तो कुंडली कितना भी मैच करवा लो छत्तीसों गुण मिल गए तो ऐसा हो सकता है क्या कि पति पत्नी आपस में लड़े ना ये ऐसी प्रजाति होती है जो निस्वार्थ भाव से लड़ती है निस्वार्थ भाव मतलब कभी कोई पत्नी नहीं चाहती कि उसके पति का बहुत बुरा हो जाए या कोई पति नहीं चाहता कि उसकी पत्नी का बहुत बुरा हो जाए तो बुरा नहीं चाहते लड़ रहे मतलब निस्वार्थ भाव से लड़ रहे हैं ठीक मतलब तो बेसिकली पहले जो concept था मैंने बता था, धर्म बहुत क्या होता Scientific होता है है साइंटिफिक पहले कुंडली मिलाने का मतलब ब्लड ग्रुप मैच करवाना ही था धीरे धीरे उसमें क्या है इधर उधर की बातें घुसती गई और गुण गुण मिलाने लगे मैच करने लगे होता क्या देखिए अगर मेरी बहन की शादी होने वाली है मेरी बेटी की शादी होने वाली है और वो अरेंज्ड मैरिज है तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं यथासंभव ऐसे लड़के से शादी करूं कि जीवन भर इसे कष्ट की जरूरत न पड़े ये होगा ना लव मैरिज है कोई बात नहीं चलो अभी करा देते हैं फिर जो आगे होगा वो देखा जाएगा जीना तो चीनी लोगों को है ठीक तो अब होता क्या है कि सपोज दैट एक व्यक्ति है मेल है जिस जो आर एच पॉजिटिव है इसकी शादी हो जाती है ऐसी फीमेल से जो आर एच निगेटिव है हो गया शादी इसके बाद जब ये बच्चा प्लान करते फैमिली प्लानिंग होती है तो पहला बच्चा पहला बच्चा प्लान करेंगे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा ठीक नॉर्मल सब कुछ होगा नॉर्मल मतलब वो डिलीवरी नहीं कि नॉर्मल और सीजेरियन बीच नौ महीने का प्रोसेस भी सब कुछ सामान्य रहेगा अब ये बच्चे में दो केस बनता है या तो बच्चा आर एच पॉजिटिव होगा या तो आर एचेटिव चांसेस होते हैं 85 -90 की माता पिता में कोई है, तो 90% नाइनटी -90 परसेंट कि बच्चा क्या होगा पॉजिटिव ही होगा 10 से 15% परसेंट चांस बनता है कि बच्चा क्या हो जाए नहीं इसीलिए दुनिया में पॉजिटिव पर्सन की संख्या क्या बता ना एट्टी फाइव पॉपुलेशन क्या है पॉजिटिव है तो अगर बच्चा निगेटिव हुआ तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा कुछ नहीं होगा दूसरा बच्चा भी होगा यानी जब तक तो बच्चा के बच्चे का ब्लड टाइप क्या होगा निगेटिव वाला रहेगा तब तक ये इरिथ्रोब्लास्टोटिस फोटेलिस महिला को नहीं होगा फीमेल को नहीं होगा बट 85 परसेंट चांसेस क्या है कि बच्चा क्या हो जाए पॉजिटिव तो ये केस ही उसी पे डिपेंड करता है कि केस तभी बनेगा जब बच्चा क्या होगा आर एस पॉजिटिव होगा तो मैंने सपोज किया पहला बच्चा इनका क्या हो गया आर एस पॉजिटिव हो गया निगेटिव होगा तो कोई बीमारी ही नहीं कुछ ही नहीं होगा तो उसको सपोज करने से कोई फायदा नहीं है ठीक अब हो गया अब इन्होंने कुछ समय बाद दूसरा बच्चा प्लान किया तो देखिए मां और बच्चे का ब्लड अलग अलग सर्कुलेट होता है मां का मां के शरीर में बच्चे का बच्चे के शरीर में लेकिन कितने भी एडवांस हॉस्पिटल में जाइए एक बार डिलीवरी के समय माँ और बच्चे का रक्त ब्लड कांटेक्ट में आता है जब उसका अम्बलिकल कार्ड काटा जाता है गर्भ नाल जब कट किया जाता है और उलट के पिन लगाया जाता है तो जब अम्बलिकल कार्ड काटा जाता है गर्भनाल काटा जाता है उसी समय एक बार अगर बहुत अच्छे से डिलीवरी करा रहे हैं तो बच्चे को कहीं कट चोट नहीं लगी तो तो एक बार मिनिमम वन टाइम बच्चे के ब्लड का कांटेक्ट मां के ब्लड से होता है और उसी समय मां चूंकि बच्चा आर एस पॉजिटिव है जो उसका एम्ब्रियो बच्चा मीन यहां क्या एम्ब्रियो की बात हो रही बच्चा आर एस पॉजिटिव है तो मां की बॉडी को केस मिल गया क्या? R. H. Positive embryo. अब देखिए, मैंने कहा ना हर चीज के में अलग अलग एंटीबॉडी बनती है इसीलिए हर रोग के लिए अलग एंटीबायोटिक दवा होती है तो आप कहोगे कि ब्लड वाला एंटीबॉडी एम्ब्रियो के खिलाफ नहीं काम करेगा हर चीज के लिए क्या है अलग अलग एम्ब्रियो के लिए अलग बनेगा सर्दी हो गई उसके लिए अलग बनेगा जुकाम हो गया उसके लिए अलग बनेगा कोरोना का हो गया तो अलग बनेगा कोरोना में अगर डेल्टा के लिए वैक्सीन लगाए हो तो ओमिक्रॉन पे असर नहीं करेगा उसके लिए आपको फिर से क्या लगवाना पड़ेगा अलग से बूस्टर डोज लगवाना पड़ेगा कहने का मतलब यही था कि हर चीज के लिए अब यहां एम्ब्रियो के खिलाफ बॉडी को मां की बॉडी को क्या मिल गया एक केस मिल गया तो आर एच पॉजिटिव का एम्ब्रियो के खिलाफ उनके बॉडी में क्या बन गया एंटीबॉडी बन गया अब जब उन्होंने दूसरा बच्चा प्लान किया तो अब एम्ब्रियो के खिलाफ इनके अंदर क्या एंटीबॉडी बन गया तो मां दूसरी बार कंसीव करेगी कंसीव करने के कुछ ही दिन बाद उनका बच्चा डेस्ट्रॉय हो जाएगा अपने से एबॉर्ट हो जाएगा दो चार दस दिन बीस दिन में हो जाएगा तो पहली बार में समझ में आया तो लोगों को लगता है वजन उठा देने से हो गया है गर्म खा लेने से हो गया ठंडा खा लेने से होगा दूसरी अगली बार नेक्स्ट टाइम फिर वो प्रिकॉशन रखते हैं फिर हो जाता है फिर तीसरी बात अब यही अनपढ़ लोग जो होते हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग या गांव के माहौल में जो हैं, अब यही कहते किसी ने कुछ कर दिया यही से शुरू होता है आशा राम बापू और राम रहीम का दरवाजा कि या फिर यह अब खोजेंगे कृपा किधर से आएगी होता है ना बताते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें क्या करना है अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाना यह बहुत बड़ी बीमारी नहीं है और इसी बीमारी को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोटिस फोटेलिस, फोटेलिस डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है लेकिन क्या है वो बार बार डिस्ट्रॉय कर दे रहा है अगर फर्स्ट टाइम यह वाला केस जो है इस समय मां ने कंसीव किया और मान लीजिए किसी कारणवश वो डिलीवरी नहीं चाहते हैं पति पत्नी दोनों जाके एब करवाते हैं बट जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी अगर वो आगे चलती तो बच्चा आर एस पॉजिटिव हो जाता लेकिन आपने बच्चे को जन्म नहीं दिया किसी कारण से एबॉर्ट करा दिया वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम एंड मेनी मोर वो पर्सन टू तो पर्सन वेरी करता है तो पहली बार में अगर मां ने एबन करा दिया है तो भी फिर दोबारा कंसीव की कि इस बार उनको बच्चा चाहिए होता है तो ये बच्चा समाज के लिए उनका पहला बच्चा है समाज के लिए क्या है पहला चाइल्ड है बट मां के शरीर के लिए उनका क्या है दूसरा बच्चा ये भी सरवाइव नहीं करेगा यही केस हो जाएगा इरिथ्रो ब्लास्टोटिस यानी एक बच्चा मान लीजिए किसी कारण से वो प्रेगनेंसी कंसीव हो गई कभी कभी यह भी होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो हंड्रेड परसेंट श्योर है कि जो बच्चा पैदा होगा वो डिसेबल्ड होगा दिव्यांग बच्चा ही पैदा होगा क्योंकि उस एम्ब्रियो का कुछ ना कुछ पार्ट जो है ये एंटीबॉडी जो डेवलप हुई है वो नष्ट करेगी, पूरा एम्ब्रियो नष्ट कर देती है किसी कारण से पूरा एम्ब्रियो नष्ट नहीं कर पाई तो उसका कुछ पार्ट क्या कर दी डिस्ट्रॉय कर दी और वो पार्ट आगे चल के जो ऑर्गन डेवलप करता उस ऑर्गन में डिसेबिलिटी बच्चे की आ जाएगी तो ऐसा बच्चा क्या होता है नहीं हो जीवन में सब लोग चाहते हैं कि डिसेबल्ड पहले से पता कि ये बच्चा डिसेबल्ड है तो आएगा तो वो भी झेलेगा सब लोग झेलेंगे ठीक तो ये है केस क्या या तो प्रेगनेंसी बार बार क्या हो जाएगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी अपने से अब हो जाएगा या फिर जब बच्चा कंसीव होकर अगर डिलीवरी हो भी गई तो 100 परसेंट श्योर होता है कि वो डिसेबल बच्चा होगा वो दिव्यांग बच्चा होगा कोई ना कोई अंग उसका काम नहीं करेगा तो इसी घटना को कहते हैं इरेस्टोटिस ठीक यहां कुंडली कोई काम नहीं आएगी यहां क्या है शादी के पहले ब्लड ग्रुप मैच करवाना जरूरी है अब ऐसा हो गया तो राम रहीम या आसाराम बापू के पास नहीं जाना है ठीक है अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाओगे बहुत छोटा सा इलाज होता है इसका मेडिकल दोनों का पहले पूरा टेस्ट होगा हस्बैंड वाइफ का फिर सारा केस करने के बाद कुछ दवाओं के साथ आरएच फैक्टर का क्या किया जाएगा फीमेल को एक इंजेक्शन लगाया जाएगा जिससे धीरे धीरे दो चार महीने में मेडिकल चेकअप के साथ सब होता है ध्यान रखिएगा अपने से कुछ नहीं होता क्योंकि एंटीबॉडी शरीर में न बने इसके लिए दवा देनी पड़ती है तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगी चार छह महीने में वो लेडी जो है वो महिला जो है वो आर एच निगेटिव से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी rh पॉजिटिव में अब फीमेल भी rh पॉजिटिव हो गया तो rh फैक्टर फिर एंटीबॉडी का कोई मतलब नहीं हो गया फिर वो बच्चा क्या होगा फिर प्रेगनेंसी कंसीव करेगी और बच्चा होगा ठीक तो ये लाइलाज बीमारी नहीं है साथ ही मैंने एक चीज बताया कि अब आपका मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि rh नेगेटिव पर्सन को rh पॉजिटिव पर्सन में कन्वर्ट किया जा सकता बट वाइज वर्सा इज नॉट ट्रू यानी अभी क्या है जो हमारा साइंस अभी यहां तक डेवलप हुआ है कि आर एस निगेटिव को आर पॉजिटिव में बदल सकते हैं बट आर पॉजिटिव को अभी आर एस निगेटिव में बदलने के तक की विधि डेवलप नहीं हुई है इतनी बात समझ में आई कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी आ रही हो तो पूछ लो फिर मैं लिखवाता हूं